हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का हमारा टॉपिक है क्राई द पिकॉक। ये एक नॉवल है अनीता देसाई, जो कि इंडियन नॉवलिस्ट हैं, इनकी द्वारा लिखा हुआ। तो आज के इस वीडियो में हम क्राई द पिकॉक के कैरेक्टर्स को और शॉर्ट समरी को डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा सबसे पहला कैरेक्टर है माया। माया के अराउंड ये पूरी स्टोरी लिखी हुई है। माया राय साहब की बेटी है और इसका एक ब्रदर है अर्जुन नाम का। तो माया को राय साहब शुरू से ही एक प्रिंसेस की तरह ट्रीट करते हैं और फेरी वर्ड में रखते हैं, और हर एक उसकी छोटी छोटी जो ख्वाहिश होती है उसको फुलफ़िल करने की कोशिश करते हैं। और उन्होंने माया की लाइफ में फादर और मदर दोनों का रोल प्ले किया है, और उनके लिए वो स्पेयर, माया के लिए स्पेयर टाइम भी निकालते हैं, उसके साथ वॉक भी करते हैं, और जो भी वो छोटी छोटी चीज़ें करती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे और उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, अफेक्शन करते थे। माया की शादी वो अपने फ्रेंड गौतम से कर देते हैं, यानी कि राय साहब का दोस्त है गौतम, उसके साथ में माया की शादी हो जाती है, जो कि माया से लगभग डबल एज के हैं, जिसकी वजह से दोनों में एज गैप आ जाता है और उनकी लाइफ में, मैरिड लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। गौतम जो है वो एक प्रैक्टिकल पर्सन है, जबकि माया जो है वो एक इमोशनल चाइल्ड है, और हमेशा से उसको अटेंशन मिला है, अफेक्शन मिला है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा स्पॉइल्ड चाइल्ड की तरह हो गई है। और गौतम जो है वो इन द कॉन्ट्ररी वो एक प्रैक्टिकल पर्सन की तरह हैं, वो इन सब चीज़ों को, इमोशनल थिंग्स को वो कंसिडर नहीं करते, लव को कंसिडर नहीं करते। वो एक मॉडर्न पर्सन हम उनको मान सकते हैं, और उनमें काफ़ी ज़्यादा कोल्डनेस है उनकी नेचर में, और वो प्लेजर और पेन दोनों में इनडिफरेंट रहते हैं, मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट सिर्फ माया से ही नहीं, उनको अपनी फैमिली में कोई हैपनिंग्स होती हैं उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। जो ये जो ट्रीटमेंट है गौतम का लाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो ये माया को काफ़ी ज़्यादा हर्ट करता है शुरू से ही। वो चाहती है कि उसको गौतम अफेक्शन दे, लव दे, जैसे कि उसके फादर दिया करते थे, जबकि गौतम ऐसा उसके लिए कुछ नहीं करते थे। और माया की लाइफ में एक ट्रेजेडी होती है चाइल्डहुड से ही, कि वो एक बार एक एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर के पास में जाती हैं, जो कि एक हमारा कैरेक्टर है। तो वो एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर उसको ये बताता है माया को कि शादी के 4 साल के अंदर अंदर आप दोनों में से, यानी कि हस्बैंड वाइफ में से किसी एक की डेथ सर्टेन है, तो आपको गॉड से प्रे करनी चाहिए, और ये चीज़ें कभी भी टल नहीं सकती, इनको कैंसिल नहीं किया जा सकता। तो माया को ये जो प्रोफेसी है वो रेगुलरली हॉन्ट करती रहती है, और वो उससे काफ़ी ज़्यादा फियरफुल है कि 4 साल के बाद में क्या होगा, वो आज को एंजॉय नहीं करके जो फ्यूचर में होने वाला है, जो कि हो भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि इस चीज़ को श्योर नहीं मान सकते। लेकिन माया इमोशनल होने की वजह से इस चीज़ को सच मान के बैठी है, और वो हमेशा ये सोचती है कि 4 साल के अंदर अंदर मेरी डेथ होना सर्टेन है, जबकि ऐसा कुछ भी एक्चुअल में नहीं है। अब नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा गौतम है। ये प्रोफेशन से लॉयर हैं, और जैसा कि पहले माया के साथ में देख चुकी है कि इनका बहुत कोल्ड एटीट्यूड रहता है, बहुत प्रैक्टिकल पर्सन है, और अपने वर्क में बहुत इंगेज रहते हैं और फैमिली को इग्नोर ही करते हैं। माया के फादर है राय साहब, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण हैं, यानी कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनमें अभी भी बिलीव करते हैं वो, जैसे कि छुआछूत है, ऊंच नीच है, कास्टिज़म है, इन सब चीज़ों में स्ट्रांग बिलीव रखते हैं, और इसी कास्टिज़म की वजह से इन्होंने अपने बेटे अर्जुन को घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने किसी लोअर कास्ट के लड़के को अपना फ्रेंड बना लिया था। और माया को काफ़ी ज़्यादा अफेक्शन करते हैं, और ये भी प्रोफेशन से लॉयर ही होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है हमारा अर्जुन। ये जब राय साहब अर्जुन को बाहर निकाल देते हैं घर से, तो ये अमेरिका चले जाते हैं और वहाँ पे कैनिंग फैक्ट्री में काम करते हैं, बहुत कम मजदूरी पर, और वहाँ से ये माया को लेटर लिखते हैं, जिसका मेंशन हमें नॉवल में देखने को मिलता है। गौतम की मदर हैं,
ये भी प्रैक्टिकल लेडी हैं जैसे कि गौतम है, और ये स्ट्रीट एनिमल्स जो हैं उनकी देखभाल करने का काम करती हैं, और ये भी वर्ल्ड से काफ़ी ज़्यादा डिटैच्ड होती हैं। एक कैरेक्टर है हमारा नीला, जो कि गौतम की सिस्टर हैं, और ये सेपरेशन पीरियड में होती हैं, जिनकी 3 डॉटर्स हैं नीला की, और ये चाहती है कि गौतम उनके डिवोर्स केस में उनकी हेल्प करें, जबकि गौतम इस चीज़ के लिए मना कर देते हैं कि वो मेरी डिग्निटी के बहुत नीचे है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। एक कैरेक्टर हमारा लैला, ये लैला जो है वो माया की चाइल्डहुड फ्रेंड है, और चाइल्डहुड फ्रेंड को वो पास्ट में रिकॉल करती है कि लैला का नेचर कैसा था, और तो वो याद करती है कि वो माया की तरह ही प्रैक्टिकल ना होकर इमोशनल थी, और ऐसे पर्सन से शादी करी थी जो बीमार है और विद इन फ्यू टाइम वो जिसकी डेथ होने वाली है। नेक्स्ट कैरेक्टर है पॉम। पॉम बहुत प्रैक्टिकल हैं और अपनी लाइफ को एन्जॉय करने में बिलीव करती हैं, और वो जो लग्जरियस लाइफ है वो जीना पसंद करती है और किसी चीज़ के बारे में वरी नहीं करती। हरबंस सिंह नाम का एक जो कैरेक्टर है, ये पामिस्ट है, यानी कि जो हाथ की रेखाएं पढ़ के जो प्रोफेसी करते हैं, भविष्य बताते हैं, उन लोगों में से है। तो माया एक पार्टी में जाती है, वहाँ पे वो माया का हाथ देखते हैं और कुछ एस्ट्रोलॉजिकल अनाउंसमेंट्स वहाँ पर वो करते हैं। तो इन सब कैरेक्टर्स के अराउंड ये हमारी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है कि माया का एक पैट डॉग होता है टोटो नाम का, जिसकी डेथ हो चुकी है, और अप्रैल के मंथ में उसकी डेड बॉडी जो है वो रॉटन होना स्टार्ट हो जाती है, और गौतम आते हैं, और जैसे कि वो डिटैच्ड हैं लाइफ से और जो उनके रिलेशंस हैं उनसे, तो वो इस चीज़ को काफ़ी नॉर्मली लेते हैं, जबकि माया जो है वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा अफेक्टेड हुई हैं, क्योंकि शादी के 4 साल के बाद भी उनके कोई बच्चा नहीं है, और वो अपना जो अफेक्शन है वो उस टोटो से रखती हैं। और गौतम एक मोमेंट पे ये भी भूल जाता है कि टोटो कौन था, जिसकी वजह से माया काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती हैं। स्टोरी को 3 पार्ट्स में या 3 एक्ट में लिखा हुआ है। जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो थर्ड पर्सन में नरेटिव है, और जो सेकंड पार्ट है वो माया के खुद के द्वारा बताया जाता है, यानी कि माया खुद कहती है, अपने एक्सपीरियंस को खुद शेयर करती है यहाँ पे। जो सेकंड पार्ट है वो कंपेरेटिवली लॉन्गर है, और जो फर्स्ट और थर्ड पार्ट है वो कंपेरेटिवली शॉर्टर है। जो सेकंड पार्ट है वो 7 जो सीन्स हैं उनमें डिस्क्राइब किया हुआ है। तो फर्स्ट पार्ट में केवल इतना ही दिखाया जाता है कि कैसे टोटो की डेथ हो जाती है, और उसकी बॉडी को PWD से गौतम क्रिमेट करवा देते हैं, और माया की हेल्प करते हैं कि वो इस चीज़ से ओवरकम कर सके। सेकेंड पार्ट में ये बताया जाता है कि गौतम उसको ओवरकम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करते हैं, उसको बाहर लॉन में घुमाने के लिए लेके जाते हैं, उसके साथ डिनर भी करते हैं, लेकिन माया जो अपने थॉट्स में ही बिजी रहती है हर टाइम, जो ये सोचती रहती है कि कब वो एस्ट्रोलॉजी है वो फुलफिल होगी, कब उनमें से एक की डेथ हो जाएगी, इन सब चीज़ों के बारे में वो सोचती रहती है। गौतम जैसे कि गौतम बुद्ध हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनको बताया गया है कि वो वर्ल्ड से डिटैच हैं, और कई मामलों में वो भगवद गीता के श्लोक बोलते हैं और उर्दू के कपलेट्स पढ़ के माया को यहाँ पर सुनाते हैं। हालांकि माया को कुछ टाइम के लिए ये सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो इस चीज़ को डिसलाइक करना स्टार्ट कर देती हैं और खुद से ही परेशान हो जाती हैं। उसको कई सारी हेल्यूसिनेशन भी दिखाई देती हैं, जैसे कि कथकली डांसर्स हैं उनकी शैडोज उसको दिखाई देने लग जाती हैं। बाद में जब स्प्रिंग सीजन आता है और पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो झड़ जाती हैं, तो वो माया बहुत डिसलाइक करती है इस सीज़न को, और उस सीज़न में वो ये देखती हैं कि ब्रेन फीवर बर्ड की जो वॉइस होती है, यानी कि पपीहा जो बर्ड होता है उसकी आवाज़ होती है, वो उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान करती हैं। आगे माया चाहती है कि वो कहीं ना कहीं गौतम के साथ में घूमने जाए। वो चाहती थी कि वो कथकली डांसर्स जो हैं वो उनको देखने के लिए त्रावणकोर, कोचीन, मैसूर या मालाबार में से
कोई भी जगह एक शॉर्ट वेकेशन के लिए जाए, लेकिन गौतम इस चीज़ को भी डिनाई कर देता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों के डिनाइल की वजह से माया उससे और दूर और ज़्यादा डिटैच होती जा रही थी और खुद और ज़्यादा न्यूरोटिक होती जा रही थी। वो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड्स को भी याद करती हैं, जिसमें एक लैला थी जिसने टीबी से सफ़र करने वाले पर्सन से शादी करी थी। वो फेट में काफ़ी ज़्यादा बिलीव करती थी और उसने खुद के लाइफस्टाइल को इसी तरह से बना लिया था। जबकि एक पॉम नाम की एक लड़की थी, वो भी माया की फ्रेंड थी, वो पिंक कलर की और काफ़ी मोटी लेडी थी और उसे अपने फेट पे बिलीव नहीं था। वो एक लाइफ में नई चीज़ें एक्सप्लोर करना चाहती थी और काफ़ी ज़्यादा फनी काइंड ऑफ लड़की थी वो। इसके बाद माया और गौतम लाल्स के यहाँ पे डिनर पार्टी में जाते हैं और डिनर पार्टी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज थी। तभी एक सिख फैलो आता है जिसका नाम हमने पढ़ा है हरबंस सिंह। ये यहाँ पर खुद का इंट्रोडक्शन देता है कि वो गौतम का फ्रेंड था और गौतम हमेशा से ही इतना ही सीरियस काइंड ऑफ पर्सन रहा है और हमेशा लाइब्रेरी और अपने बुक्स में इंगेज रहता था। तभी वो ये चाहता था कि वो माया का हाथ पढ़े, क्योंकि वो पामिस्ट था। वो अपना इंट्रोडक्शन इसी तरीके से देता है। तो माया के काफ़ी ज़्यादा डिनाइल के बाद में गौतम ने भी इंसिस्ट किया, लेकिन माया नहीं मानी। फिर इवेंचुअली जब उसने अपना हाथ दिखाया तो हरबंस सिंह ने भी सेम वही चीज़ कही जो उस एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर ने उसको बताई थी, कि कोई भी चीज़, अब जो डेंजर है वो काफ़ी ज़्यादा नियर है और किसी भी कुंडली को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें माया को बहुत ज़्यादा डरा देती हैं। फिर वो पास्ट के इंसिडेंट्स को रिकॉल करना शुरू कर देती है, जब वो फादर के घर में थी और कैसे एक बियर डांस कराने वाला आया था और कैसे उसने वहाँ पर एंजॉय किया था। तो ये सारी चीज़ें वो याद करती है। इसके नेक्स्ट कुछ दिन बाद में जब उसके घर पे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है गौतम और उसके फ्रेंड्स एंजॉय कर रहे होते हैं, तभी माया उनके बीच में चली जाती है अचानक से और सब कुछ स्पॉइल कर देती है। और गौतम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और उसको ह्यूमिलिएट करता है, उसको न्यूरोटिक बोलता है, मेंटल बोलता है और एक स्पॉइल्ड चाइल्ड भी कहता है। और उसके फादर को रेस्पॉन्सिबल बताता है कि उन्होंने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में माया को बनाया है, जिसकी वजह से वो आज इस तरह से इस फेरी वर्ल्ड में जी रही है, ना कि प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जो रियल वैल्यूज़ हैं उनको समझ पा रही है, उनको फील कर पाती है। उन दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है और इसके बाद में माया अपने ड्रीम्स में डेथ और पेरिश जैसे वर्ड्स का यूज़ करती है। गौतम उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको सपने में लिजर्ड, स्नेक, ऐसी चीज़ें उसको दिखाई देती है, इगुआनास दिखाई देते हैं उसको, जिनसे वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। अब वो बहुत दिन से अपने फादर के लेटर का वेट कर रही थी कि वो समर टाइम में उसको बुलाएंगे और वो अपने फादर के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगी, लेकिन एक लेटर आता है अमेरिकन स्टैम्प के साथ में जो उसके भाई अर्जुन का होता है, और वो अपने बारे में बताता है कि कैसे वो बहुत कम वेजेस पे एक कैनिंग फैक्ट्री में वर्क कर रहा है और वो सारी चीज़ें उसमें मेंशन करता है। और वो ये भी बताता है कि कैसे वो चाइल्डहुड टाइम में एल्बिनो एस्ट्रोलॉजर की प्रोफेसी से काफ़ी ज़्यादा फियर्ड हो गई थी। तो वो पूछता है कि क्या अभी भी वो चीज़ उसको बॉदर करती है या नहीं करती। तो गौतम वो लेटर पढ़ लेता है और उससे पूछता है कि ये प्रोफेसी वाला मैटर क्या है, लेकिन माया कहती है कि वो भूल चुकी है। एट लास्ट उसके फादर का लेटर आता है और वो ये बताते हैं कि वो यूरोप के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और जब वो विंटर्स में आ जाएंगे तब वो माया और गौतम को बुला लेंगे। अब जिस चीज़ का वो बहुत लॉन्ग टाइम से वेट कर रही थी कि वो अपने फादर के साथ में जाएगी और वहाँ पर टाइम स्पेंड करेगी, तो वो सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं और ये सब चीज़ें कलेक्टिवली उसके माइंड को डिस्टर्ब कर देती हैं। वो गौतम से भी बात करने की हिम्मत नहीं करती इन सब के बारे में।
कुछ दिन के बाद में माया और गौतम अपनी मदर को लेने जाते हैं, यानी कि गौतम की मदर को लेने जाते हैं, और उनके साथ में नीला भी आती हैं जो कि गौतम की सिस्टर हैं। जब माया वहाँ पे केजिस मंकी को देखती हैं कि जिनको लेबोरेटरीज में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, तो वो उनसे सिंपथाइज करती हैं और उस पर्सन को ढूंढने लगती हैं वहाँ पर पागलों की तरह, जिसके पास उसकी चाबी है। तो गौतम को गुस्सा आता है और वो एक केज में माया को बंद कर देता है। तो माया इन सब चीज़ों से घबरा जाती है और वो रोने लग जाती है। गौतम को ह्यूमिलिएशन होती है उसके इस बिहेवियर से, क्योंकि बार बार वो ऐसी कोई चीज़ कर देती है पब्लिकली जिससे वो परेशान हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब माया उठती है तो उसकी मदर इन लॉ उसके लिए एक कप दूध का लेकर आती है और उसको समझाती है, और साथ ही साथ में उसको बाहर लेकर जाती है और कैनॉट सर्कस पार्क लेकर जाती है, और काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं वो लोग। माया फिर अपनी मदर इन लॉ से और अपनी सिस्टर इन लॉ से काफ़ी ज़्यादा अटैच हो जाती है और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि वो थोड़े टाइम उसके साथ में और रुक जाएं, लेकिन वो ऐसी चीज़ें नहीं करती, वो यहाँ पे नहीं रुकती और वो वहाँ से चली जाती है। अब माया काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है हर बात से, तो वो देखती है और सोचने लग जाती है कि ऐसा ही क्यों होगा कि मेरी ही डेथ होगी, ये सर्टेन है। तो वो ये गौतम की डेथ के बारे में सोचने लग जाती है, और ये सोचते सोचते वो लॉन में बैठे होते हैं दोनों लोग, जब माया उससे रिक्वेस्ट करती है कि हमें घूम के आना चाहिए, छत पे हमें जाना चाहिए। तो वो गौतम को पकड़कर छत पे लेके जाती है और जाते जाते देखती है कि भगवान शिव का स्टैचू उसके बरामदे में लगा है, और उसको देखते हुए वो छत पे लेकर चली जाती है। धीरे धीरे वो घूमते घूमते एज पे पहुंच जाते हैं, तब माया उसको धक्का दे देती है और गौतम को नीचे गिरा देती है। अब जब गौतम नीचे गिरते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट सीन जो कंक्लूडिंग पार्ट आता है, हमारा लास्ट एक्ट है, जब वो सीन लखनऊ के उसके घर में डेपिक्ट किया जाता है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ और नीला भी उसके साथ में है और वो यहाँ पर बातें करते हैं। लेट नाइट को नीला देखती है कि माया अभी तक सोई नहीं है, वो धीरे से अपने कमरे से बाहर निकलती है और छत पे जाने की उसकी आवाज़ दिखाई देती है। नीला उसके पीछे पीछे जाती है और वो देखती है कि वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है। वो पीछे पीछे उसके जब उसको फॉलो करने की कोशिश करती है, तो वो देखती है कि अंधेरे में दो फिगर्स हैं, और एक वाइट फिगर के पास में दूसरा वाइट फिगर जाता है और दोनों एक साथ में छत से गिर जाते हैं और एक आवाज़ आती है, और इसी के साथ में ये नॉवल का एंड हो जाता है। तो माया अपनी सांस को लेकर शायद छत से गिर जाती है, ये क्लियरली नहीं मेंशन किया जाता है यहाँ पर, लेकिन इवेंचुअली यही इसका कंक्लूडिंग पार्ट है कि माया भी गौतम के पाथ को फॉलो करते हुए खुद भी अल्टीमेट एंड को फॉलो कर लेती है और उसकी भी डेथ हो जाती है। तो यहाँ पर ये शो किया जाता है कि कैसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं वो इकट्ठा हो के एक बड़ा रूप ले लेती हैं, और ये भी शो किया जाता है कि कैसे माया हॉन्टेड है पास्ट की चीज़ों से, और प्रेजेंट में वो चीज़ें उसको हॉन्ट कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। और मैरिटल डिसहारमनी को शो किया है यहाँ पे, कई सारे सिंबल्स का यूज़ किया है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिटेल डिस्कशन के साथ में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।